सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। मेरा नाम है सूर्या, आप देख रहे थे सूर्या टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे Realme 8 Pro के बारे में। Realme 8 Pro लॉन्च हो चुका है एंड कुछ चीज़ें अपग्रेड हुई हैं और कुछ चीज़ें डाउनग्रेड भी हुई हैं। हम डिटेल में सब स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले एंड एवरीथिंग अबाउट द Realme 8 Pro। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम ये चेहरा आप देख रहे हैं YouTube की इस दुनिया में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल का, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। इसमें आपको मिल जाता है 6.4 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। एंड डिस्प्ले जो है आपका 60 हर्ज का है, नो 90 हर्ज, नो 120 हर्ज, इट्स जस्ट 60 हर्ज। डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प मिलेगा आपको, जबकि ये सुपर एमोलेड है तो कलर्स के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। गेमिंग के मामले में भी काफ़ी मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा इसमें आपको। कार्ड स्लॉट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। जैसे कि रैम अगर आप देखें, इसके दो ही वेरियंट्स आते हैं, एक 6 GB एंड 8 GB, और आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है आपको 128 GB का, जो कि UFS 2.1 है। बैटरी के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें मिल जाता है आपको 4500 mAh की बैटरी एंड चार्जर मिलता है 65 वॉट का, लेकिन फ़ोन जो है सपोर्ट करता है 50 वॉट को। यानी कि Realme 7 Pro जो था वो 65 वॉट को ही सपोर्ट करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 50 वॉट को सपोर्ट करता है। लेकिन चार्जर आपको यहाँ पे सुपर डार्ट चार्जर जो है 65 वॉट का इन द बॉक्स ही मिल जाता है। प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो मैं चाहता था कि प्रोसेसर थोड़ा सा ज़्यादा हो, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बारे में, क्योंकि Realme 6 Pro में आपको मिल जाता है 720G प्रोसेसर, Realme 7 Pro में भी आपको मिलता है 720G प्रोसेसर, तो इस बार थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए था, कम से कम 730G, 732G या फिर उससे ज़्यादा का कोई प्रोसेसर प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन इसमें भी आपको 720G ही मिलता है। हाँ, आप गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीडियम सेटिंग में खेलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाई सेटिंग्स में थोड़े लैग्स, थोड़े इशू हो सकते हैं, लेकिन मीडियम सेटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड, इसमें व्यूइंग एक्सपीरियंस तो मैं पहले बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा, तो गेमिंग के मामले में आपको ज़्यादा शिकायत नहीं आएगी। और ये जो प्रोसेसर है 8nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, मतलब पावर कंजप्शन थोड़ा कम करेगा, पावर एफिशिएंट रहेगा ये। अब बात करते हैं कैमरा की। इसमें मेन हाईलाइट जो है इस फ़ोन का वो है इसका कैमरा, 108 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है इसमें जो प्राइमरी सेंसर है। लेकिन ये कितना यूज़फुल होता है ये तो जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा। प्राइमरी जो सेंसर है वो है 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का इसका वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है, रियलमी के हर फोन्स में यही अवेलेबल होते हैं। हाँ, थोड़ा कॉस्टली फ़ोन होगा तो उसमें ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन सेल्फी के मामले में थोड़ा डाउनग्रेड कहूँगा मैं, क्योंकि रियलमी 7 प्रो में आपको मिलता था 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और यहाँ पे आपको रियलमी 8 प्रो में मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 वाला कैमरा। कैमरा UI में, कैमरा जो फंक्शंस हैं, कैमरा का जो ऐप है उसमें कुछ चेंजेस मिले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि टिल्ट शिफ्ट नाम का एक ऑप्शन है उसमें। इसमें आप डुअल कैमरा एक्टिवेट करके आप दो वीडियोस बना सकते हैं, जैसे बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा सेम टाइम में आपका यूज़ होगा। बाकी और सारे स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो इसमें आपको Realme UI 2.0 मिलता है, तो कुछ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। कैमरा 2 API का सपोर्ट, यानी कि वाइड बाइन L1 का सपोर्ट मिलता है आपको। लाइव स्ट्रीमिंग जो है, HD स्ट्रीमिंग वगैरह जो करते हैं आप नेटफ्लिक्स और Amazon Prime में, वो सब वो काफ़ी ईजिली आप कर सकते हैं। मोनो स्पीकर्स मिलता है, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स इसमें अवेलेबल नहीं है, जबकि Realme 7 Pro में स्टीरियो स्पीकर्स अवेलेबल थे। और आजकल काफ़ी कम प्राइस वाले 14-15 हज़ार के अंदर भी प्राइस जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी अब स्टीरियो स्पीकर्स आने लगे हैं, सो इसमें भी देना चाहिए था, शायद कोई किसी तरह का कोई मिस्टेक हो, देना भूल गए शायद। सो ये तो था सारे स्पेसिफिकेशंस, सारे डिटेल्स इस फ़ोन के बारे में। सो क्या राय है मेरी इस फ़ोन के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ। अगर आपके पास Realme 7 Pro है ना, तो अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चेंजेस आपको मिलेगा, वो है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर वाला कैमरा। लेकिन सिर्फ उसकी वजह से आप एक अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता है Realme 8 Pro को परचेज़ करना। लेकिन अगर आपके पास बजट है एंड आप एक नया फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं,
सो आप परचेज कर सकते हैं इस फ़ोन को, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ तो ज़्यादा मतलब शार्पनेस के मामले में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो किए ही होंगे 64 मेगापिक्सल से 108 मेगापिक्सल के लिए। सो कुछ शार्प पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं इसमें से। एंड बैटरी बैकअप की जहाँ तक बात की जाए, पूरे एक दिन से ज़्यादा तो देगा ही आपको। एंड चार्जिंग के मामले में बात की जाए तो 40 से 50 मिनट के अंदर ये 0 to 100% आपका टोटल चार्ज कर देगा। बाकी अगर आप लोग किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अपग्रेडेशन हुआ होगा Realme 7 Pro से Realme 8 Pro को, तो ये भूल जाइए, कोई अपग्रेडेशन ज़्यादा इतना मेजर अपग्रेडेशन कुछ नहीं है। एंड हाँ, कई कई जगहों पे आपका थोड़ा डाउनग्रेड भी हुआ है, जैसे कि सेल्फी के मामले में, स्पीकर्स के मामले में, चार्जिंग कैपेसिटी के मामले में। आपका 50 वॉट सपोर्ट करता है, 65 वॉट का चार्जर तो दिया गया है लेकिन 50 वॉट सपोर्ट करता है, इसलिए कुछ कुछ के मामलों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फ़ोन में अगर 5G का सपोर्ट होता तो शायद थोड़ा बेटर होता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 साल 2.5 साल के लिए फ़ोन परचेज़ करते हैं, ताकि खरीद के कम से कम 2.5 साल 3 साल यूज़ करें, और आने वाले 1.5-2 साल के अंदर 5G इंडिया में तो आ ही जाएगा डेफिनेटली। सो अगर इस फ़ोन में 5G होता तो शायद इस फ़ोन को परचेज़ करना एक फ्यूचरिस्टिक प्लान होता। फ़िलहाल के लिए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है। कैमरा के लिए तो मैं ये फ़ोन ज़रूर परचेज़ करना चाहूँगा, फ़िलहाल तो ये फ़ोन मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं फ्यूचर में ये फ़ोन ज़रूर परचेज़ करना चाहूँगा जब ये अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि आजकल वो जो फ्लैश सेल वगैरह होता है उसमें परचेज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो जब ये अवेलेबल हो जाएगा मैं इसे ज़रूर परचेज़ करूँगा एंड डिटेल्ड रिव्यू बनाऊँगा इसके कैमरा को लेकर, इसके टोटल ओवरऑल सारे फीचर्स को लेकर। उस वीडियोस के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। एंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। सो ये तो था Realme 8 Pro के बारे में कुछ डिटेल, मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल देने की कोशिश की है आपको। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। टिल देन जय। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.